इंटरनेट से पहले ऐसा होता था कि जो आदमी फालतू की नेगेटिविटी फैलाता था, इधर उधर की बातें करता था, गॉसिपें करता था, बेवजह की जजमेंट्स पास करता था लोगों पे, ऐसे लोगों को ना समाज मार्क करके छोड़ देता था और एक दूसरे को लोग बता देते थे कि यार ये ऐसा आदमी है, और धीरे धीरे लोग उसकी बातों पे यकीन करना, उसकी बातें सुनना ही बंद कर देते थे। लेकिन फिर आया इंटरनेट का दौर, और इंटरनेट के दौर आने के बाद ऐसे लोग माइक और कैमरा लेके बैठ जाते हैं और अच्छे से सेटअप में बैठ के बातें करते हैं, और धीरे धीरे लोग इनकी बातों पे यकीन करने लग गए हैं। एक ऐसा ही यूट्यूबर है पीपोई, आकाश गुप्ता। पहली बात तो मुझे समझ ही नहीं आता कि भाई आपने इतनी गंभीर बातें करते हो, आप इतना सीरियस चैनल बनाया हुआ आपने, चैनल का नाम पीपोई क्यों रखा है? पहले क्या आप रंग बिरंगे कपड़े पहन के बच्चों के लिए डांस करते थे या कोई एनिमेशन कार्टून, क्या क्या बनाते थे भाई आप? क्या मतलब भाई पीपोई का, कोई सेंस नहीं बन रही है। आपका चैनल का टाइटल कुछ कन्वे तो करे ना यार, आप क्या हो भाई? और ये बंदा, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। ये प्रटेंड ऐसे करता है कि आदमी टॉक्सिक नहीं है, ये प्रटेंड ऐसे करता है कि जैसे ये लोगों की बहुत केयर करता है, ये ऐसे प्रटेंड करता है जैसे इसे बहुत चिंता हो रही है कि भाई कुछ बहुत गलत होने जा रहा है, तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू ऐसा कर दे, तू सॉरी बोल दे, ये ऐसी बातें करता है। लेकिन भाई साहब, ये बंदा जितना टॉक्सिक है ना, इतना टॉक्सिक मैंने कोई यूट्यूबर नहीं देखा। इसकी मैं तुमको एक सिंपल सी वजह बताता हूँ। ट्रिगर्ड इंसान पे इस बंदे ने एक वीडियो बनाया। ट्रिगर्ड इंसान के बारे में ट्रेंड हो रहा था कि उसने एक रैंक वैंक कोई गलत बोला है, मैं उस सब में घुसना ही नहीं चाहता। भाई यार बोल दिया होगा, लाइव स्ट्रीम पे निकल गया होगा मुंह से, फिर एक बार झूठ बोल दिया तो कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि भाई झूठ बोल देते हैं और वो झूठ आगे कंटिन्यू करना पड़ जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रिगर्ड इंसान रोस्टिंग में है, वो भाई नॉलेज वॉलेज वाला चैनल ही नहीं चलाता, कोई जीके नहीं बांट रहा, वो लोगों की तैयारियां नहीं करवा रहा, प्रिपरेशन नहीं करवा रहा। तो उसने कुछ बोला, ठीक है बोल दिया, नहीं बोल दिया। अब आकाश गुप्ता उस वीडियो में ये भी बोल रहे हैं कि भाई साहब बॉडी शेमिंग करता है ये, और ये भाई साहब गाली देता देता, भाई मैंने तो उस पर रोस्ट ही बनाया हुआ। वो बात नहीं है, बात ये है कि भाई वो जो करता है इंटरनेट पे अपलोड करता है, आप मत देखो, आप रहने दो उसका कंटेंट, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर आपको व्यूज भी चाहिए, तो व्यूज की इच्छा में भाई साहब ने ट्रिगर्ड इंसान पे एक्सपोज बना दिया, और एक्सपोज के नाम पे पता नहीं भाई यहाँ वहाँ की बातें, ये बंदा पहले इसका ऐसा रैंक आया, ये मेरा बेटा इसका फैन है, इसने मेरे बेटे को बर्थडे पे विश भी करा था, ये बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन ये बचपन में बुली हुआ है क्योंकि ये लड़की की तरह दिखता है। भाई उस बंदे ने कभी ना कभी बोल दिया होगा, ठीक है लाइव स्ट्रीम में बोला, वीडियो में बोला, जहाँ बोला, वो अपने बारे में बोल सकता है। लेकिन भाई तुम जब बार बार उसी बात को रिपीट करते हो ना 5-6 मिनट लगातार एंड के, कि भाई ये लड़की जैसा दिखता है, बुली हुआ है ये, और फिर तुम बोल रहे हो कि भाई बचपन में शायद स्कूल में बुली, ना ना ना, वो अब भी बुली हो रहा है क्योंकि तुम कर रहे हो भाई, तुम लोग उसको वो चीज़ें याद करवा करवा के बुली कर रहे हो, वो भूल कैसे जाएगा भाई, तुम भूलने दोगे ही नहीं। तेरे को उसकी रैंक के बारे में बात करनी थी, तू रैंक के बारे में बात कर लेता भाई, रैंक के बारे में कर लेता, उसके कंटेंट के बारे में कर लेता, जो करना था कर लेता, लेकिन तूने जानबूझ के उसकी दुखती रग पे हाथ डाला, उसके चाइल्डहुड में जो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वही तू बार बार रिपीट कर रहा है, और फिर तूने उसको वजह बना दिया इसको रैंक में झूठ बोलने का। कोई लॉजिक बन रहा है? कोई लॉजिक ये, और ये एक्सपोज कैसे हो गया भाई? ये तो तूने एक एजम्पशन पास करी है, ये तो तूने एज्यूम करा है, ये एक्सपोज कैसे हो गया? सिर्फ व्यूज के लिए तूने एक्सपोज्ड दिस दैट। और भाई यूट्यूबर्स के फैंस, इनका भाई कोई अलग ही लेवल है भाई, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कितनी इमोरल बात इनका, बेसिकली इनका चाचा जो यूट्यूबर है वो कर रहा है। पीपोई के फैंस भी भाई नीचे, भाई साहब आपने तो एक्सपोज कर दिया, भाई साहब ग्रेट एक्सपोज, भाई साहब जिसने पूरी वीडियो नहीं देखी वो तो पागल है, ये है वो, क्या मतलब है भाई? अबे तुम लोगों के अंदर थोड़ी सी भी सेंस नहीं है कि वो उसके बचपन के सबसे दुख भरे हिस्से को बार बार रिपीट कर रहा है। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, ट्रिगर्ड इंसान पे इसने वीडियो बना दिया, ठीक है भाई इसका वीडियो बनाने का हक है, बिल्कुल हक है, जैसा भी बना जो बना दिया कोई दिक्कत नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, बहुत बढ़िया भाई। फिर एक वीडियो इस पे बना दिया, कल का लौंडा नाम का यूट्यूबर है उसने, और भाई उस बंदे ने वीडियो में कुछ बोला नहीं, बोला कि ये पैसे लेता है, क्या लेता है वो लेता है, उसने बोला होगा, लेकिन भाई साहब उसमें फिर ये लीगल नोटिस, कोर्ट कचहरियां, ये सब लाने की क्या जरूरत है? आप अपने रिस्पॉन्स वाले वीडियो में मैंने पॉडकास्ट कराया सीबीआई के कमिश्नर के साथ, इसके साथ उसके साथ, आप जेल जा सकते हो, आप ट्रेस हो सकते हो, भाई धमकियां किस लिए? तू एक ऐसे निश में घुस रहा भाई जिससे तेरा कोई लेना देना नहीं है, तू इतना फ्रेजाइल है भाई, तेरा ईगो इतना फ्रेजाइल है, तू इतना सेल्फ रिस्पेक्टिंग, तू कोई, मैं बहुत बड़ी किसी कंसल्टिंग फर्म में काम करता था, मैं ये था, मैं यहाँ का हेड था, मैं, भाई तू कोई भी है? अरे इंटरनेट पे लोग मुकेश अंबानी को नहीं छोड़ते, अनंत अंबानी को नहीं छोड़ते, मोदी जी को नहीं छोड़ते, ट्रंप को नहीं छोड़ते, पुतिन को नहीं छोड़ते, और आपका तो नीश ही नहीं है ना भाई रोस्टिंग वोस्टिंग वाले में, आप जबरदस्ती घुसे हो,
अब जब आप गुस्से हो तो किसी ने कुछ बोला है, मतलब आप जो चाहे बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन सामने वाला कुछ बोलेगा तो मैं लीगल नोटिस भेजूंगा, मैं कोर्ट चले जाऊंगा, मैं कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटा के सीबीआई वालों को फोन कर, क्या भाई ये गलत है यार। ये बंदा मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है और इसका ईगो बहुत फ्रेजाइल है। और इसका मैं एक कारण और बताता हूँ, मैंने इस बंदे के सिर्फ दो वीडियो देखे हैं। ये वाला तो मैंने देखा था क्योंकि ट्रेंड चल रहा था ट्रिगर्ड इंसान वाला, तो उससे रिलेटेड मुझे लग रहा था तो मैंने देख लिया। एक वीडियो भाई साहब ने बनाया था, वो एक पंजाब का पिज्जा कपल की एक वीडियो वायरल हुई थी, तो भाई इस बंदे ने उस पर वीडियो बनाया। अरे भाई उनके पर्सनल मोमेंट्स का वीडियो लीक हो गया, वायरल हो रहा है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना भाई जो उन वेबसाइट्स पर नहीं जाते हैं, जिनको नहीं पता चला होगा। इस बंदे ने वीडियो बना के सबको बताया भाई वो वहां कुछ नहीं, भाई वो कहाँ की मोरालिटी है, भाई कहाँ की नैतिकता है वो पूरे। और वीडियो में सिर्फ ये नहीं बोला कि भाई इनका एमएमएस लीक हुआ है, उनके हॉस्पिटल की फोटोज, उनके रोते हुए के फोटोज, रोते हुए की वीडियो भाई साहब बंदे के चलाए इसने, सारा कुछ करा इसने। जिसको यकीन नहीं होना भाई कि तुम्हारा पीपो ऐसा कर सकता है, एक बार जाके उस चैनल पे उस वीडियो को चेक कर लो, वो कुल्लड़ पिज्जा वाले कपल पे जो इसने वीडियो बनाई थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और ये बंदा आज मोरालिटी की बातें कर रहा है, यार दिस इज सो रॉन्ग भाई। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई इतने फ्रेजाइल ईगो अगर आपका होता है ना, इतना अगर आपका छोटा, मतलब आप सहन नहीं कर सकते हो ना भाई, आप अपने आप को इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि आप सहन ही नहीं कर सकते, कोई आपको कुछ बोले तो भाई मैं आपको सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा कि भाई स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु आर इनटू रोस्टिंग एंड शिट। व्हाई डू यू वांट टू एंटेंगल योरसेल्फ विद पीपल यू कांट कोप विद, व्हाई? मैं बार बार भाई साहब ये याद दिलाते रहते हैं मैं एक बहुत बड़ा कंसल्टिंग, मैं ये ठीक है भाई तू अपने लिए करा भाई, तूने जो करा है हमारे लिए नहीं करा है, किसी ऑडियंस के लिए नहीं करा है, ठीक है। तूने नौकरी छोड़ी तेरी मर्जी, तू नौकरी तो यूट्यूब छोड़ के नौकरी करने चला जा वो भी तेरी मर्जी होगी भाई, तेरा जो मन करे वो कर, बार बार ये बातें मत गिनवाया कर। और भाई ये टॉक्सिसिटी बंद कर दे, तुझे किसी पे वीडियोस बनानी है बना, लेकिन ये जो तू चुपचाप धीमे से बिलो द बेल्ट टैग करता है ना कि सामने वाला कुछ बोल ही ना सके, जलेबी में जहर डाल के खिलाते हो भाई साहब आप, ठीक है। अब वो ट्रिगर्ड इंसान उस पर क्या रिएक्ट करे, आपने जो वीडियो बनाया है ट्रिगर्ड इंसान चाह के भी उस पर रिएक्ट नहीं कर सकता, अगर करेगा तो भाई वो उसका मजाक ही बनेगा। ये बंदा, ये पीपोई जो बंदा है ना, ये आपके उस रिश्तेदार की तरह है जो आपकी शादी में आता है, पूरा हंस रहा खेल रहा नाच रहा गा रहा दारू पी रहा, लेकिन मन ही मन चाहता है कि आपका तलाक हो जाए 2-3 महीने में। यह उस रिश्तेदार की तरह जो आपको नए नए बिजनेस आइडियाज देता है, इसलिए नहीं ताकि आप अमीर हो जाओ ना, ये चाहता है कि आप बड़े से बिजनेस में बड़े से पैसे डाल दें और फिर आप उजड़ जाओ, फिर आपको घाटा पड़ जाए और आप सड़क पे आ जाओ। ये उस तरह के रिश्तेदार जो होते हैं ना, ये वैसा नेचर है भाई पीपोई का। ये इतना टॉक्सिक वीडियोस बनाता है ना भाई, और इसके वीडियोस में टॉक्सिसिटी इतनी सटल होती है कि पता ही नहीं चलता कि भाई साहब इतना मीठा बोलता है ना भाई, पता नहीं चलता कि इसने कब जलेबी में जहर दे दिया। तो इसीलिए भाई साहब मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ पीपोई भाई साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो प्लीज़ यार टॉक्सिसिटी नहीं भाई, थैंक यू।